चालक परिचालक संघ सिवनी द्वारा आज जिला कलेक्टर सिवनी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें चालकों परिचालकों की गंभीर आर्थिक स्थिति से अवगत कराया गया है। बालाघाट जिले के परिचालक रवि ठाकरे द्वारा आर्थिक तंगी से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसके परिवार में छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। सिवनी जिले में भी ऐसे कई परिवार हैं जो अपनी आर्थिक विपदा किसी को नहीं बता पा रहे हैं। आज उनका परिवार दाने दाने को मोहताज है। यह स्थिति सिवनी जिले में भी ना आए इसलिए जल्द से जल्द कोई रास्ता निकाल ले, क्योंकि बेरोजगारी में व्यक्ति का सब्र टूट जाता है और कुछ भी करने को आमदा हो जाता है, जैसे कि उक्त घटना हुई। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। बहुत दुख का विषय है कि आज हमारे बीच में हमारा एक भाई रवि ठाकरे, जो कि बालाघाट का निवासी था, गरीबी, लाचारी और भुखमरी से तंग आकर उसने अपनी जीवन लीला फांसी लगाकर समाप्त कर ली। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? हमारे चालक परिचालक भाई क्या इतने मजबूर हो गए हैं कि अपनी जान से खिलवाड़ करने लगे? उनके परिवार को, उनके बच्चों को अगर ऐसे ही हमारे लोग मरते रहे तो कौन सहारा देगा? आज हम लोग लगातार 4 महीना हो गया लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर में, हमारे काम धंधे बंद हैं। क्या गलती है आखिर हमारी? क्या पाप किया है हमने? हम तो आप लोगों की सेवा ही करते चले आ रहे हैं। क्या अपराध है हमारा बताइए? मैं सभी लोगों से पूछना चाहूँगा, जनप्रतिनिधियों से, सरकार से, नेताओं से, क्या गलती है आखिर बस चालकों की, परिचालकों की? उस परिचालक भाई ने कल किस परिस्थिति में आत्महत्या किया, उसे कोई ना तो जानने वाला है ना समझने वाला है। अरे भाई ऐसा मत करो, हम लोगों के लिए कुछ तो खाने पीने की व्यवस्था करो। आज मैं सिवनी से, चालक परिचालक संघ से, जिला अध्यक्ष दीनू डहरिया, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी से हाथ जोड़ के सभी भाइयों की तरफ से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर ऐसा लगता है कि हमारी मांगे नाजायज है तो हमें जो चाहो सजा दे दो आप। क्या अपना अधिकार मांगना अपने भूख के लिए, अपने बच्चों के परिवार पोषण भरण पोषण के लिए अधिकार मांगना क्या अपराध है? क्या हम कोई अपराध कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो हमें जेल में डालें, जो चाहे सजा दें। भाई हम अपनी परिस्थितियों से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, इसीलिए आप लोगों की शरण में हम लोगों ने लगातार अपनी मांगे रखी, बात रखी कि कोई तो हमारी मांग पे विचार करे, लेकिन आज तक कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हुआ है, ना किसी ने संतोषजनक जवाब दिया है। आज भी माननीय कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से ये बताया कि सिवनी जिले में भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं, लोग परेशान हैं, कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बता पाते हैं, किसी के घर की परिस्थिति में खुद जानते हैं। भाई क्या है, सरकार कहती है हम पैसा नहीं दे सकते। अरे भाई एक छोटा सा निवेदन है आपसे, सरकारी कर्मचारी हैं जिन्हें आप बराबर वेतन दे रहे हो, कुछ महीनों के लिए अगर उनको आधा वेतन दे देते हो तो कम नहीं पड़ जाएगा? उनका वेतन कम कर लीजिए, आधा वेतन कर दीजिए, नहीं होता है तो बकाया वेतन उनको उनके आगे के प्रोविडेंट फंड वगैरह और जो भी उनकी स्कीमें होती है उसमें खातों में जमा कर दें, परिस्थिति अभी गड़बड़ है, लेकिन हम लोगों का तो पूरा करें। कब तक मरते रहेंगे? या और लोगों के यहाँ सिवनी में भी मरने की रास्ता देख रहे हैं, मोटर मालिक, प्रशासन, शासन, क्या दिक्कत है भाई? क्या अपराध किए हैं हमने बताएं आप? सबसे निवेदन करूंगा, पूछना चाहूंगा। और ऐसे में अगर व्यक्ति आक्रामक हो जाता है, कोई अपराध करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, तो उसे आप जेल में भरोगे, उस पर आरोप लगाओगे, उसके ऊपर धाराएं लगाओगे, उसे बंद कर दोगे। अगर हम लोग अपने अधिकारों के लिए अगर मांग कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? क्या अपराध है हमारे बताइए आप? यही सब पूछना चाहूंगा, यही सब विडम्बना है हमारे लोगों की, एक मांग रखते चले आ रहे हैं, सभी से पूछते हैं
कि भैया हमारी मदद करो। कलेक्टर साहब हो गए, विधायक जी हो गए, सांसद जी हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी हो गए, सारे लोगों को तो ज्ञापन दे चुका, आप क्या करेंगे और हम बताइए। और अगर ऐसे में अगर मान लीजिए कुछ घटना दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो व्यक्ति अगर मरता है तो उसके बच्चों का पालनहार कौन होगा? पालनहार कौन होगा उनका? कोई बताएगा इस बात पे? कोई बताए मुझे, बस इतना ही पूछना चाहूँगा मैं। और निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरी बातों को आप गौर करें, हम लोगों को सहायता प्रदान करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।